सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल लेवल चैनल को और नोटिफिकेशंस का बेल आइकन दबाइए। सो हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल लेवल में। सो दोस्तों, इस वीडियो में गला खराब हो रहा है, यानी कि गले में कड़कड़ाहट आ रही है। सो सॉरी फॉर दैट, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसको खोलना शुरू करते हैं। कितना टाइम लेता है खोलने। इसका हमारा ऊपर का कवर मिला और ये रहा हमारा ड्रोन। एकदम फोल्डेबल ड्रोन है, इसको भी साइड में रखते हैं। और इसके नीचे आया हमारा ये रिमोट, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इसके सारे फीचर्स मैं बाद में बताऊंगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे एक पॉलिथीन भरा हुआ पैक आता है। सो आइए देखते हैं इस पे करके क्या है। सो जो सबसे पहली चीज़ निकलती है वो है कुछ प्रोटेक्टर्स, 4-piece प्रोटेक्टर्स है। ये रहे 4 हो गए। और फिर आते हैं कुछ एक्स्ट्रा विंग्स, अगर ड्रोन अगर टूट जाए उसके विंग्स तो उसमें आप लगा सकते हैं। ये 1, 2, 3 और ये 4। उसके बाद आता है हमारा ये चार्जर फॉर द बैटरी। बैटरी अभी दिखाता हूँ आपको। सो ये रही हमारी बैटरी दोस्तों। और उसके नीचे आता है हमारा स्क्रू ड्राइवर। फिर इस पे आता है प्रोटेक्टर, अगर आपको लगाना होगा तो ये ड्रोन पे, अगर प्रोटेक्टर क्या यदि यदि आप यूज नहीं कर रहे तो फिर ये ड्रोन पे लगा देना होता है। बाकी अब तो इसमें कुछ खास नहीं है। चलो अनबॉक्सिंग तो हो गई, अब इस पे रिव्यू पे चलते हैं। सो आइए अब इसकी रिव्यू करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं इस ड्रोन को। ये फोल्डेबल ड्रोन है, जरा मैं इसे अनफोल्डेबल अनफोल्डर कर देता हूँ जल्दी से। सो ये हो गया अनफोल्ड, ये रहा हमारा ड्रोन। जो प्रोटेक्टर यहाँ पे लगेगा और जो मैंने आपको छोटी छोटी सी चीज़ दिखाई थी जिसमें मैंने बोला था कि प्रोटेक्टर अगर यूज़ नहीं कर रहे तो इसे यूज़ करना ही पड़ेगा। सो ये रहा, विंग्स भी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप SD कार्ड घुसा सकते हैं इस स्लॉट से। और यहाँ पे जाएगी आपकी बैटरी और ये रहा आपका कैमरा, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है और कुछ लाइट्स है। सो ड्रोन को भी साइड में रखते हैं, अभी थोड़ी देर बाद आउटडोर जाएंगे इसे उड़ाने के लिए। फिर आता है ये स्क्रू ड्राइवर जो रिमोट को खोलने में काम आता है। सो अब चलते हैं जरा रिमोट की तरफ। तो ये रहा रिमोट, ये रहा रिमोट। इस पे ये अप डाउन का बटन है, ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। और ये टेक ऑफ बटन है, इसे दबाने से 1.5 मीटर पे अपने आप ड्रोन उठ जाएगा। फिर ये डाय बाय, फिर ये ऑन बटन है। फिर इस पे ऑटो रिटर्न की, ये ऑटो रिटर्न की। उसके बाद आता है ये टेक फोटो, हेडलेस मोड। और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है आपका। और ये ट्रिम बटन है, अगर ये ऊंचाई पे चला जाए ड्रोन तो उस पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है, अगर दीवार से टकराने वाला हो आपका ड्रोन तो फिर आप इसे दबा सकते हैं ताकि ड्रोन रुक जाए अपने आप। सो और यहाँ ये है फ्लिप बटन, इसे 60 डिग्री फ्लिप मारेगा। और ये स्पीड बटन है, ये 4 गुना तेज़ी से ड्रोन चलेगा। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। सो इसमें भी कुछ खास नहीं था, बाकी देखते हैं प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर के साथ जो आया वो भी। सो ये है जो ड्रोन में लगेंगे, मैं दिखा देता हूँ ऐसे लगेंगे। ये देखिए जो गैप दिख रहा है, आप यहाँ पे ये लगा या प्रोटेक्टर लगा एक ही बार, ये देखिए ऐसे लगेगा ये। मैं इसमें जरा प्रोटेक्टर लगा के दिखाता हूँ आपको, इसको पहले निकाल लूँ। फिर आएगा ये प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ये रहा हमारा। बस इसको
ऐसे करके ऐसे दबा दीजिए, ये देखिए ये दब गया। और ये रहा, ये देखिए ये विग्स के अंदर ही आ रहा है, सो ये विग्स को प्रोटेक्ट करेगा और अच्छा है प्रोटेक्टर। तो और कुछ एक्स्ट्रा विग्स है इसके साथ, ये देखिए ये एक्स्ट्रा विग्स 4 पीसेस है। इसको आप निकाल के ये जो बटन है इसको निकाल के, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको निकाल देता हूँ। ये देखिए ये निकल गया। और ये रहा, इसमें एक स्क्रू दिख रहा होगा आपको, उस स्क्रू को इसके अंदर डालना पड़ेगा, वो स्क्रू ड्राइवर से की मदद से जो आपको ड्रोन के साथ मिला है उसकी मदद से आपको इस पर डालना पड़ेगा। और अब आते हैं इसकी बैटरी पे। बैटरी ये देखिए मैंने ये चार्जिंग पे लगाई है, क्योंकि जब मैंने देखा इसमें चार्ज ही नहीं है तो फिर ये चलेगा कैसे, इसलिए थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे लगाया था। और ये रहा अब हमारा USB पोर्ट। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, चलिए मेरे साथ। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे एकदम बिना USB केबल वाला एक पड़ा हुआ है प्लग। और इस पे मैं ज़रा अपनी USB डाल लूँ जो ड्रोन के साथ मिला। आप इसे किसी और चीज़ के साथ कनेक्ट करने में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बैटरी ब्लास्ट होने के चांसेस है। सो ये देखिए ये बैटरी रही हमारी, और ये रहा हमारा प्लग, और ये जाएगा इसमें, इसमें जाएगा। तो मैं लगा लेता हूँ, ये आई बैटरी, और ये रहा इसका प्लग। सो ये देखिए मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो वहाँ पे देखिए आपको एक लाल लाइट जल्दी हुई दिख रही होगी, अगर ये लाल लाइट नहीं जल रही यानी कि ये बैटरी फुल चार्ज है, लेकिन आपको कोशिश करके देखना होगा एक बार कि लाल लाइट जल रही है कि नहीं। सो और कुछ तो खास नहीं था। सो अब हम इसे चलिए बाहर चलते हैं उड़ाने के लिए। ऊपर तो ले जा, ऊंचा हम ज़ूम करेंगे। मैंने ज़ूम कर दिया। ओ नाइन्थ है ना, वो नाइन्थ पर है। तो अबे यार तू वो लगा देता कंट्रोल वाला, यार देख लेते हम। ओए दोबारा नहीं चला, फिर दोबारा उड़ा 9th फ्लोर तक। आदि अगर इसका कंट्रोल खो गया नीचे नहीं आ जा रहा कुछ, फिर नीचे लाके दोबारा 9th फ्लोर पे चला चाहिए। अबे यार वो मैं उसका कैमरा वाला ऑन कर दूं ऊपर से। बाकी क्यों पर चला